अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के स्टूडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि आप लोग अपनी वॉइस में, किसी भी वॉइस में, कोई भी वॉइस है, चाहे वो आपकी वॉइस है या फिर आपने कहीं से डाउनलोड की हुई है, कोई साउंड है, कुछ भी है, ठीक है, आप उसमें बेस लगाना चाहते हैं या बेस बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे आप लगाएंगे, आज की स्टूडियो में यही बताने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इसी टॉपिक पर नहीं, लेकिन जो एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ उसी एप्लीकेशन में ये काम होगा। इस पर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, इस एप्लीकेशन के फुल ट्यूटोरियल तो नहीं बनाया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फुल ट्यूटोरियल भी आएगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन आज मैं जो आपको तरीका कार बताने जा रहा हूँ उसको देख के सच में आप भी कहेंगे भाई मज़ा आया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी वीडियो में से ऑडियो फाइल को निकालना है, यानी अलग-अलग से करना है, या फिर आप वैसे ही कोई किसी वीडियो फाइल की ऑडियो फाइल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, इसी एप्लीकेशन के थ्रू बताया था। इस एप्लीकेशन का नाम है ऑडियो लैब। ऑडियो लैब के बारे में बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आपको देख सकते हैं वीडियो टू ऑडियो। लेकिन आज इस ऑप्शन के बारे में बात नहीं करूँगा, आज मैं आपके लिए नया एक जुगाड़ लेके आया हूँ, जो किसी भी साउंड में आप बेस कैसे लगा सकते हैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉइस चेंजर, आपने वॉइस चेंजर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने वो फाइल ले लेनी है, वो ऑडियो ले लेनी है, वो साउंड ले लेना है जिसमें आप बेस या फिर कोई और भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है ये सब कुछ बताऊँगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि पहले इसको गौर से आपने सुन लेना है, वीडियो में भी सुना देता हूँ ताकि आप जो है ना सही तसल्ली हो सके आपकी। तो चलिए अभी वीडियो इसको प्ले करते हैं साउंड को, और अभी कोई भी बेस जो है ना नहीं लगी हुई, थोड़ा सा एंड में जा के दिखाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा एंड में है ऐसे पॉइंट जहाँ पर बेस लग सकती है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और आपको सुनाता हूँ। तो जैसे कि आपने सुन लिया, यहाँ पे अभी तक कोई भी बेस नहीं है, ठीक है। दो बार इसलिए मैंने सुनाया ताकि आपको सही से तसल्ली हो सके। उसके बाद यहाँ पे नीचे ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि ड्रंक, स्पिनिंग, स्लो, फास्ट, रो फास्ट, स्कैरी, इको, बेबी वगैरह वगैरह ऑप्शन है। यार मैं सबका अगर नाम लूँगा तो मुझे यहाँ पर आधा घंटा भी लग सकता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको ना स्क्रॉल करना है इस तरफ में, राइट साइड में, ठीक है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेस बूस्ट। बेस बूस्ट का ये जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है और इसको पूरी, यानी कि ये जो आपकी साउंड है इस तक, यानी एंड के आखिरी पॉइंट तक ले के आके आपने क्या करना है कि फिर से बेस बूस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप बेस बूस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेस जो है वो आपकी ऐड हो चुकी है। अब मैं वहीं से जहाँ से मैंने पहले आपको सुनाया था प्ले करके, वहीं से सुनाऊँगा, 23 सेकंड थे मेरे ख्याल से, यहीं से आपको सुनाऊँगा कि कैसे आपने इसमें बेस ऐड हो गई हमारी, और आप सच में ये पहले भी थी या अभी मेरे सामने ऐड हुई, आपके सामने ऐड हुई। तो चलिए अभी इसको प्ले करते हैं। एक बार फिर सुन लें। तो जैसे कि अगर आपने नोट किया, ठीक है, या फिर नोटिस किया, इसमें अब बेस जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हमने इसमें बेस जो है ऐड कर दिया, अब हमने इसको सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे ये एक ऑप्शन है जी माइक का, यहाँ पे आपने इस माइक के बटन पे क्लिक करना है। जब आप माइक पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप ऑडियो नेम जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रीनेम कर दें, नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो ये जो है आपकी ऑडियो आपके मोबाइल फ़ोन में
कहीं पर भी स्टोर हो जाएगी, जाहिर है आपकी मीडिया फाइल्स में जाएगी, ऑडियो फाइल्स में जाएगी। उसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो उसके बारे में मैं हल्का हल्का सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इको ऑप्शन भी है, स्केरी ऑप्शन भी है। तो स्केरी हम लगा कि आज चेक करने वाले हैं कि इस ऑप्शन की मदद से हम जो है क्या कर सकते हैं, आखिर क्या चेंज आएगा हमारी इस जो वॉइस है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 सेकंड मैंने इसलिए छोड़े ताकि आपको फ़र्क बता सकूं कि आखिर इसमें फ़र्क क्या है। वैसे जाहिर है दिख रहा है सबको, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है। यहाँ पे अब हम इसको प्ले करते हैं और यहाँ से सुने और यहाँ से एंड से सुने, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ जो है बिल्कुल चेंज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इको ऑप्शन है, बेबी ऑप्शन है, सराउंड ऑप्शन है, मेल है, फीमेल है, और भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा जल्द हमारे इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो आएगी जिसके बारे में इसी एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा, यानी कि जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं जैसे कि रिकॉर्ड ऑडियो एंड रिवर्स ऑडियो, स्प्लिट, वॉइस चेंजर वगैरह वगैरह, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं सब के बारे में आपको बताऊँगा। कुछ प्रो भी हैं लेकिन कुछ जो हैं प्रो नहीं हैं। तो जो प्रो नहीं हैं वो आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है ना उनको बिल्कुल फ्री में यूज़ करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ में अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।